पाकिस्तान के ये खिलाफ है, ये मेरी धरती के खिलाफ हैं। जो इस धरती में नहीं मरना चाहता उसको क्या मसला। नाम न लिया, नवाज शरीफ पर मुल्क दुश्मन होने का इल्जाम लगा दिया। आसिफ अली जरदारी ने नून लीग के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। लाहौर में तकरीब से खिताब में बोले, वो तो अपने मुल्क में मरना भी नहीं चाहते, हम इनसे हर जगह लड़ेंगे। साबिक सदर ने कहा, पंजाब में इलेक्शन जीतना पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल नहीं, हमारी अपनी कमजोरियां आड़े आती हैं। एक और मार्च और अब महंगाई मार्च। मौलाना ने 23 मार्च को इस्लामाबाद की तरफ महंगाई मार्च का ऐलान कर दिया। इस्तीफों का सवाल हुआ तो बोले, फैसला अपने वक्त पर अपनी मर्जी से करेंगे। मौलाना अपनी जगह के लिए सिस्टम खत्म करना चाहते हैं। वजीर इत्तला फवाद चौधरी कहते हैं, पीडीएम कई बार तारीखें दे चुकी, फिर बदल चुकी, अब भी ऐसा ही होगा। मौलाना हौसला करें, दाएं बाएं देखें, उनके साथ कोई भी नहीं। और सियालकोट जैसे पुरतशद्दुद और बहिमाना वाकयात किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। किसी फर्द या हुजूम को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तमाम मुजरिमों को सख्त सजाएं दी जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत आला सदा इजलास में रियासत का दो टोक मौक़िफ़।